सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं डीएनए आइसोलेशन मेथड कैसे क्या होती है, मतलब डीएनए को आइसोलेट करने की कौन सी मेथड है, उस मेथड को आज अपन डिस्कस करेंगे कि किस मेथड के द्वारा अपन डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं किसी भी सेल से। तो चलिए वन बाय वन अपन सारे के सारे जो स्टेप है वो देखते हुए चलेंगे कि किस तरह से डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं डीएनए के आइसोलेशन की। तो डीएनए के आइसोलेशन के लिए टोटल बोल सकते हैं चार प्रोसेस होती है, चार स्टेप है या चार टोटल मेथड है। कौन कौन सी है, पहले उनकी बात करें तो आ जाती है सेल लाइसिस, प्रोटीन रिमूवल, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डीएनए प्यूरिफिकेशन। इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, यदि आपको इनके नाम पता होंगे तो आप एग्जाम के अंदर कुछ भी लिख के आ सकते हो। तो देखिए डीएनए की आइसोलेशन में अपन चारों मेथड के नाम अपन ने देख लिए, तो अब वन बाय वन डिस्कस भी कर लेते हैं। तो देखिए सेल लाइसिस मतलब सेल को अपन को क्या करना है, सेल को तोड़ना है। बस सेल लाइसिस क्या है, किसी भी सेल को तोड़ना है, उसकी जो मेम्ब्रेन्स है, जो वॉल है, उनको अपन को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो सेल लाइसिस के अंदर क्या होगा, ब्रेक डाउन द सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, मतलब कुछ एंजाइम के थ्रू अपन को क्या करना है, किसी भी सेल है उसको तोड़ना है या उसकी सेल वॉल है उसको तोड़ना है सेल मेम्ब्रेन को, जिससे क्या हो, जो उस सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है ना, उस सेल का जो क्या है डीएनए है, इस डीएनए को अपन क्या निकाल सके, बाहर निकाल सके। बस तो सेल को लाइसिस करेंगे उसके लिए आपको एग्जाम मतलब एंजाइम रहेगा, वो रहेगा सेल्युलोज, इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा, सेल्युलोज एंजाइम। अब क्या होगा, जो सेल्युलोज एंजाइम होगा ना, ये जो क्योंकि बात कर रहे हैं प्लांट सेल की, तो ये क्या होगा, प्लांट सेल की जो सेल वॉल है ना, इसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, मतलब इसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो सेल वॉल क्या होगी, अब यहां से रिमूवल होगी। तो पहली प्रोसेस अपनी कंप्लीट होगी कि अपन को सबसे पहले क्या करना है, सेल वॉल को हटाना है, मतलब सेल का क्या करना है, लाइसिस करना है। नेक्स्ट स्टेप में चले तो प्रोटीन रिमूवल, अब क्या करना पड़ेगा, अपन को प्रोटीन रिमूवल करना पड़ेगा। तो रिमूवल क्या करना है, अपन को प्रोटीन करना है विथ कुछ एंजाइम के थ्रू, अपन को क्या करना है, प्रोटीन को रिमूव करना है। अब वो एंजाइम कौन से हो सकते हैं, एक तो प्रोटीएज हो गया या लाइपेज, प्रोटीएज या लाइपेज एंजाइम के थ्रू अपन को क्या करेंगे, प्रोटीन को वहां से रिमूव करेंगे। क्योंकि अब देखिए जो भी प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन है, या प्लांट ले लीजिए किसी को भी आप ले लीजिए, पर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो सेल वो सेल है ना, अब जो सेल मेम्ब्रेन है या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या होता है, जो डीएनए नामक क्या रहता है, प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ये क्या करेगा, जैसे ही अपन इस मान लीजिए इस जैसे ही डीएनए बाहर आने की कोशिश करेगा, तो ये जो डीएनए प्रोटीन होगा ना, ये इस डीएनए को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, मतलब डीएनए को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो सबसे पहले जब अपन डीएनए प्रोटीन को हटा देंगे तो फिर अपन इजीली क्या कर सकते हैं, इसे डीएनए को सेल से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अपन को दो एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहती है, कोई भी एक एंजाइम ले लीजिए, प्रोटीएज या लाइपेज। ये क्या करते हैं, इनके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, जो सेल एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। यदि दूसरे पॉइंट की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो ये जो अननेसेसरी जो प्रोटीन होता है, जैसे कि एग्जांपल लाइक क्या हो गया डीएनए, उसको क्या करता है, ये ब्रेक करने का काम करता है। तो अपन ने क्या कर लिया, प्रोटीन को रिमूव करना है सेकेंड स्टेप में, कौन से एंजाइम के थ्रू, प्रोटीएज एंड लाइपेज। आपको सिर्फ एंजाइम्स का ध्यान रखना है, सेल लाइसिस में आपको एंजाइम का नाम रखना है सेलुलोज, जो क्या करेगा, प्लांट की जो सेल वॉल होगी उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। फिर जो अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन रहेगी ना, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, डीएनए नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब इस प्रोटीन को भी क्या करना है, यहां से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए अपन को दो एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक तो प्रोटीएज एक लाइपेज, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट नोट में एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो ये क्या करता है, सेल या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसको ब्रेक डाउन करता है, साथ में जो अननेसेसरी प्रोटीन है लाइक डीएनए इसको क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है। तो दो स्टेप कंप्लीट होगी। अब तीसरी स्टेप की अपन बात करें तो तीसरी स्टेप आ जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आपने नाम सुना होगा, पीसीआर में सुना होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस में सुना होगा। इसमें क्या किया जाता है, अब डीएनए को तो अपन ने क्या कर लिया, अलग कर लिया, अब इसको क्या ले लेंगे, एक ट्यूब में ले लेंगे। अब उस ट्यूब की कुछ ऐसी सी होती है, तो उसको क्या करते हैं, जो सेंट्रीफ्यूग जो मशीन होती है उसमें रखते हैं और उसको क्या करते हैं, फास्टली घुमाते हैं। अब घुमाने का क्या बेनिफिट रहेगा, मतलब इसमें घुमाने का यह बेनिफिट रहेगा कि जो भी हेवी चीज है वो तो नीचे की ओर बैठ जाएगी, और जो हल्की चीज है वो क्या होगी, आपके ऊपर सरफेस के ऊपर क्या करने लग जाएगी, तैरने लग जाएगी। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, प्रोटीन हुआ या आपका जो अदर मटेरियल्स है वो सेटल हो जाएंगे कहां, नीचे की ओर, डाउन की ओर, बॉटम की ओर।
और जो डीएनए है और जो थोड़ा सा जो फ्लूड रहेगा वो क्या करेगा, आपके सरफेस के ऊपर आपको तैरता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही अपन ने सेंट्रीफ्यूगेशन इसका कराया, इसको ट्यूब में डाल दिया और ट्यूब में डाल के उसको क्या कराया, फास्टली घुमाया। अब इसको घुमाया तो क्या हुआ, जो प्रोटीन थे वो तो क्या हो गए, नीचे सेटल डाउन हो गए, नीचे बैठ गए। अब साथ में जो डीएनए है और कुछ फ्लूड है, इन दोनों का जो मिक्सर रहेगा उसको सुपरनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुपरनेट फ्लूड बोला जाता है। तो शॉर्ट नोट में जाए सुपरनेट फ्लूड क्या हो गया, जिसमें फ्लूड भी रहेगा और साथ में क्या रहेगा, डीएनए भी प्रेजेंट रहेगा। अब अपन ने प्रोटीन को तो क्या कर लिया, अलग रिमूव कर लिया। अब अगला आ जाएगा अपन को इस सुपरनेट फ्लूड के अंदर से डीएनए को क्या करना है, अलग करना है। तो अब डीएनए का क्या करना है, अपन को प्यूरिफिकेशन करना है कि अपन को एकदम प्लेन क्या चाहिए, डीएनए चाहिए, न कि साथ में उसके अंदर फ्लूड चाहिए। तो इस फ्लूड को हटाना है। अब हटाने के लिए क्या किया जाता है, डीएनए प्यूरिफिकेशन किया जाता है, मतलब आइसोलेट या सेपरेट कर लेंगे अपन डीएनए को इस सुपरनेट फ्लूड के अंदर से। तो ये जो सुपरनेट फ्लूड रहेगा ना, यही जो डायग्राम है वापस अपन यहां लिख के आते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, ये तो क्या था अपना जो प्रोटीन था जो सेटल डाउन हो चुका है, साथ में सुपरनेट फ्लूड है, इसके अंदर क्या अपना डीएनए। अब डीएनए को इस जो सुपरनेट जो फ्लूड है जिसके अंदर डीएनए साथ में, इसको अपन वॉश करेंगे आइसोप्रोपेनॉल के साथ में। आइसोप्रोपेनॉल के साथ में जब इसको आइसोलेट करेंगे, अपन वॉश करेंगे, तो क्या होगा, डीएनए आइसोलेट हो जाएगा। मतलब आइसोप्रोपेनॉल के जब साथ में क्या होगा, अब ये जो सुपरनेट फ्लूड है ना ये अलग हो जाएगा, ओनली अपन को क्या बच जाएगा, अपना डीएनए। मतलब वॉश इस सुपरनेटेड फ्लूड को अपन वॉश करेंगे आइसोप्रोपेनॉल के साथ में, तो अपना डीएनए क्या मिल गया, अपन को आइसोलेट मिल गया। अब ये जो मतलब ओनली अपन को अपना क्या मिल गया, डीएनए मिल गया। अब इस डीएनए को अपन क्या करेंगे, कोल्ड जो इथेनॉल होगा, क्या होगा, जो कोल्ड इथेनॉल होगा उसके अंदर अपने इसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। अब बात आ जाती है कि कोल्ड इथेनॉल के साथ इसमें स्टोर क्यों करेंगे। तो देखिए जो कोल्ड इथेनॉल रहेगा ना, अब इथेनॉल क्या है, ये एक तरह का क्या है, एल्कोहल ही तो है। क्या एक तरह का एल्कोहल, ये एक तरह का एल्कोहल ही तो है। तो ये एल्कोहल क्या करेगा, ऊपर की ओर तैरेगा और जो डीएनए होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि डीएनए होता है वो अल्कोहल में सोलेबल नहीं होता है, इनसोलेबल है। तो इनसोलेबल है तो क्या होगा, डीएनए तो नीचे सरफेस के ऊपर बैठ गया और इथेनॉल क्या हो गया, आपका ऊपर तैरने लग गया। मतलब डीएनए बॉटम की ओर बैठ गया, जो इथेनॉल है वो अपर सरफेस के ऊपर क्या हो गया, स्विम करने लग गया। तो जब भी अपन को डीएनए, अब इसको क्या करेंगे, अपन स्टोर कर देंगे कोल्ड जगह, ठंडी जगह, एकदम ठंडी जगह इसको क्या कर देंगे, फ्रीजर के अंदर अपन रख देंगे। जब भी अपन को उस डीएनए की रिक्वायरमेंट रहेगी तो इस इथेनॉल से अपन को क्या कर लेंगे, डीएनए को अलग कर लेंगे। क्योंकि डीएनए क्या होता है, इथेनॉल के अंदर क्या है, इनसोलेबल है, ये दोनों सोलेबल नहीं रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये थी एक छोटी सी मेथड डीएनए आइसोलेशन के ऊपर। ये आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अब आपको मैं बता देता हूं इसके जो नोट्स है ना वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। यहां आपने सिर्फ समझ लिया, समझ में नहीं आया है तो एक दो बार आप और देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ चार स्टेप याद रखनी है, सेल लाइसिस, प्रोटीन रिमूवल, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डीएनए प्यूरिफिकेशन। सेल लाइसिस में क्या होगा, सेल वॉल को हटाना है और प्रोटीन के अंदर क्या करना है, प्रोटीन रिमूवल करना है। इस प्रोसेस के अंदर इनको क्या करना है, रोटेट करना है, घुमाना है, जिससे क्या होगा कि जो प्रोटीन जो बचा हुआ जो भी अदर मटेरियल है वो और जो डीएनए ये दोनों आपके अलग हो जाए। फिर जो ऊपर जो सुपरनेटेड फ्लूड बचेगा इसमें से अपन को डीएनए को सेपरेट कर लेना है, डीएनए को क्या कर लेना है, प्यूरिफिकेशन कर लेना है। बस इतनी सी एक छोटी सी मतलब नॉलेज है कि डीएनए आइसोलेशन मेथड आपको इजीली समझ में आ गई होगी। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दीजिएगा। थैंक यू।